हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए इस घंटे को ताकि नई वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों आप जो भी फोटो बनाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे लाके इस तरह से ड्रैग करके छोड़ दें। तो इसके लिए फोटोशॉप को यहाँ से मिनिमाइज कर लें और ये वाली फोटो बनाना है, इस तरह से पकड़ें और यहाँ पे इस तरह से लाके छोड़ दें। तो फोटो आ गई है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहला काम होता है फ़ोटो की कटिंग करना, फ़ोटो को सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल हैं लेकिन हम लोग ये पेन टूल का यूज़ करेंगे। देखिए पेन टूल है, इसका यूज़ करेंगे। तो इसको ले लेते हैं और फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के लिए आप जो है कंट्रोल दबाए रखें, कंट्रोल वाली बटन और साथ में प्लस वाली दबाएं। जितनी बार दबाएंगे उतनी बार जूम होगा। ये देखिए जूम कम करने के लिए कंट्रोल वाली बटन दबाए रखें और माइनस वाली बटन दबाएं। देखिए जूम कम होगा। तो थोड़ा जूम कम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस दबा के और अब जो है फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। तो जितना जूम करके सिलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा सिलेक्ट होगा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से पॉइंट बनते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अब दोस्तों जहाँ से स्टार्ट किया था फ़ोटो की कटिंग करने के लिए उसी पॉइंट पे इसको मिला देते हैं। देखिए इस तरह से इस पर क्लिक कर लें। अब देखिए पूरा जो है सिलेक्ट हो गई है फ़ोटो। अब जो है माउस की राइट वाली बटन दबाएं, इस तरह से दबाएंगे और यहाँ पे देखिए मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और ये फेदर रेडियस जो है इसको जीरो रहने दें। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं इसको जीरो रखूँगा और यहाँ से ओके। अब दोस्तों आपको यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक किया और देखिए बैकग्राउंड जो है गायब हो गया। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं कंट्रोल और माइनस वाली बटन दबा के। ये देखिए तो पूरा बैकग्राउंड जो है गायब हो गया है। अब दोस्तों ये जो लेयर है इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो दोस्तों डुप्लीकेट इसलिए बनाएंगे क्योंकि फ़ोटो पर जो है जो बैकग्राउंड था वही बैकग्राउंड हमको रखना है, बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना होता तो कोई दूसरा ट्रिक करते लेकिन जो हमको चेंज नहीं करना है इसलिए जो है इसकी एक डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी लेयर की। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आप चाहे कंट्रोल जे बटन दबाएं या फिर इस तरह से लेयर को पकड़ें और यहाँ पे लाके छोड़ दें इस तरह से। ये देखिए छोड़ दिया और डुप्लीकेट हो गई। तो दो लेयर बन गई हैं। अब दोस्तों आपको ऊपर वाली लेयर पे जो है मास्क पे क्लिक करना है और कंट्रोल बटन दबाए रखना है और दबाना है आई बटन। ये देखिए इस तरह से दबा दिया और अब आपको इसी मास्क पे क्लिक करके राइट वाली बटन दबाना है और यहाँ पे करना है अप्लाई लेयर मास्क, इस पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपको जो है नीचे वाली लेयर जो है यहाँ से हाइड कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हाइड कर दें। अब जो है ऊपर वाली लेयर तो सिलेक्ट है, अब आप कंट्रोल बटन दबाए रखें और क्लिक करें नीचे वाली लेयर के मास्क पे, इस पर क्लिक करें। ये देखिए इस तरह से जैसे क्लिक किया देखिए फ़ोटो जो है इस तरह से सिलेक्ट है पूरी। अब आपको यहाँ से ये वाला टूल पर क्लिक कर देना है और फिर फ़ोटो पर कहीं भी क्लिक कर देना है। ये देखिए इस तरह से राइट क्लिक कर देंगे और देखिए फिर आपको यहाँ पर मिलेगा फिल वाला ऑप्शन, फिल पर क्लिक करें। अब यहाँ ये जो ये जहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट्स, इस पे देखिए आपका जो है ये सिलेक्ट होना चाहिए कंटेंट अवेयर, सिलेक्ट करें और ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो भर गया है, जो खाली हिस्सा था वो भर गया है, बैकग्राउंड मैच हो गया है। अब आप ये जो सिलेक्ट है इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दें। अब दोस्तों ये जो नीचे वाली लेयर थी इसी मास्क पे क्लिक करें राइट वाली और इसको भी अप्लाई लेयर मास्क पे क्लिक कर दें। ये देखिए और नीचे वाली लेयर ऑन कर दें और निचली लेयर को ऊपर इस तरह से पकड़ के ले जाएं। ये देखिए ये वाली ऊपर हो गई। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है, देखिए मैं ऊपर ही लेयर बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इस तरह से हाइड कर दिया। तो देखिए बैकग्राउंड जो है अलग है और ये फ़ोटो ये देखिए अलग है। तो अब ये फ़ोटो बैकग्राउंड दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो अब जो है बैकग्राउंड और फ़ोटो पर अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। फ़ोटो अगर क्लियर करनी है तो फ़ोटो को अलग क्लियर करेंगे और बैकग्राउंड पर अगर ब्लर इफेक्ट वगैरह डालना है तो उसके लिए अलग करेंगे।
बैकग्राउंड वाला लेयर सेलेक्ट लिया, इसकी जो है सबसे पहले एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। देखिए डुप्लीकेट बना लिया। अब जो बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करके जाते हैं फिल्टर वाले ऑप्शन पे और क्लिक करते हैं देखिए ब्लर पे। ब्लर पे देखिए यहाँ बहुत सारे ब्लर मिल जाएंगे आपको। अगर ब्लर गैलरी में जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे ब्लर मिल जाएंगे। तो ये आपकी जिस तरह फोटो है उसी तरह से आप ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ ये गासियन ब्लर पे, क्लिक कर लेते हैं। अब आपको कितना ब्लर देना है ये देखिए, यहाँ से उतना ब्लर दे सकते हैं। ये देखिए जितना भी आपको ब्लर करना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से जो है इसको ब्लर कर लीजिए। तो मैं इतना कर लेता हूँ और ओके ओके कर लिया। तो दोस्तों मैंने दो लेयर इसलिए बनाई थी, मुझे ये जो ये पेड़ वाला हिस्सा है इसको ब्लर नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेजर टूल लूँगा। ये देखिए इरेजर टूल है। ब्रश को बड़ा छोटा करने के लिए आप ये ब्रैकेट वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है ब्रश और इस तरह से छोटा हो रहा है, तो इतना बड़ा ठीक है। अब दोस्तों आप जब माउस वाली राइट वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ देखिए जो ब्रश के ऑप्शन हैं यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। तो ब्रश यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। हार्डनेस ध्यान दीजिएगा जीरो होनी चाहिए, इसको जीरो कर लें। देखिए तो इस तरह से इतना इरेज कर लेते हैं ताकि ये वाला हिस्सा ब्लर ना रहे। तो देखिए इस तरह से जो है इरेज कर लेते हैं। तो आप जो है जूम करके करिएगा, मैं तो आपको बताने के लिए केवल इस तरह से कर रहा हूँ। तो देखिए जितना जूम करके करेंगे उतना ही अच्छे अच्छी फ़ोटो बनेगी। तो देखिए ब्लर हट गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लेकिन अब क्या इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, लगभग इतना कर लिया, थोड़ा सा हल्का बढ़ा लें इस तरह से, इतना ठीक है। अब दोस्तों ये जो जितना ब्लर वाला हिस्सा है यहाँ पर जो है सीबी इफेक्ट डालेंगे। तो इसके लिए जो है मैं इस ब्लर वाली लेयर की जो है कॉपी और बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखिए ताकि ओरिजिनल लेयर आपकी ख़राब ना हो। तो देखिए इस तरह से बना लिया और ये ब्लर वाली जो ब्लर वाली लेयर है इस पर क्लिक करके और जाएंगे फिल्टर ऑप्शन और जाएंगे ब्लर गैलरी और फील्ड ब्लर पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों नीचे सबसे नीचे देखिए यहाँ लाइट रेंज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ये दूसरा वाला पॉइंट जो है इसी तरह इस पर मिला देते हैं और लाइट बुके थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए लाइट बुके इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ से ब्लर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना आप करना चाहें फोटो के हिसाब से उतना कर सकते हैं। तो इतना कर लेते हैं फिलहाल और ओके कर देते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं, और ओके कर देते हैं। और ये देखिए ये नीचे तक आ गया है तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो इसके लिए ये देखिए इसीलिए मैंने जो है एक लेयर एक्स्ट्रा बना ली थी। देखिए इस तरह से ठीक है। अब जो है ये दोनों लेयर को आपस में मिला देते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए दोनों लेयर को आप शिफ्ट वाली बटन दबा के इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट वाली क्लिक करेंगे और यहाँ मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, मर्ज लेयर पे क्लिक कर दें, आपस में मिल गई। इसको भी मिला लेते हैं आपस में, देखिए इस तरह से ये लेयर भी मिला लेते हैं। अब दोस्तों इस पर जो है थोड़ा और इफेक्ट डालने के लिए इसी लेयर पर क्लिक कर रखेंगे और जाएंगे फिल्टर पर और जाएंगे निक कलेक्शन और जाएंगे कलर इफेक्ट्स प्रो 4। दोस्तों ये आपके में हो सकता है ना हो, ये सॉफ्टवेयर अलग से आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से इंस्टॉल करना है तो मैंने जो है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख के उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो निक कलेक्शन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक फिल्टर ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं यहाँ से। ओके अब दोस्तों ये जो फोटो लेयर है इस पर क्लिक करते हैं, फोटो को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा एज पता चल रही है, यहाँ पे देखिए सही से नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
इसके लिए यही इरेजर टूल ले लेते हैं। अब जो फोटो पे क्लिक करके और जाते हैं यहाँ फिल्टर पे और क्लिक करते हैं कैमरा फिल्टर पे, और यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ोटो को एक्सपोज़र हल्का सा बढ़ा लेते हैं। फ़ोटो को ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से क्लियर है। कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेते हैं हल्का सा, बाकी सब ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इन सभी लेयर को जो है आपस में मिला लेते हैं। देखिए शिफ्ट वाली बटन दबा के सब पे क्लिक कर लेते हैं बारी बारी से, और क्लिक राइट वाली और यहाँ से मर्ज लेयर पे क्लिक। अब दोस्तों इसमें थोड़ा लाइट बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल और एम बटन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बढ़ा लें, ओके। अब दोस्तों फोटो को सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल पे क्लिक करें और सेव एस पे क्लिक करें, और जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। तो जेपीजी में सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फ़ोटो का नेम डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, और जो इसको जो इमेज क्वालिटी है उसको हाई कर लेते हैं और ओके, और यहाँ से बंद कर देते हैं। तो देखिए फोटो आ गई है बनके।